नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। तृणमूल कांग्रेस के विवादित बयान पर भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष ने कहा कि हम एससी समाज का अपमान बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर उमरिया जिला भाजपा द्वारा जिलाध्यक्ष भाजपा दिलीप पांडे के नेतृत्व में समस्त कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा गया। ज्ञापन पत्र में तृणमूल कांग्रेस नेत्री सुजाता मंडल खान द्वारा एससी समाज के बंधुओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर उनका अपमान किया गया, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी जिला उमरिया द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। तृणमूल कांग्रेस नेत्री के बयान की भारतीय जनता पार्टी जिला उमरिया घोर निंदा करती है और ऐसे बयान पर भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे ने बताया कि सुजाता मंडल खान का बयान संपूर्ण एससी समाज के बंधुओं के लिए है, जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी संविधान निर्माता बाबा साहब की जन्म जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से आम व्यक्ति को अवगत करा रही है, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के हालात निश्चित ही समूची मानव सभ्यता को शर्मसार कर देने वाले हैं। एससी समाज को स्वभाव से गरीब बताने वाली तृणमूल कांग्रेस नेता सुजाता मंडल खान ने पूरे एससी समाज का अपमान किया है, जिसका भाजपा का एक एक कार्यकर्ता विरोध करता है। हमारे देश के संविधान में देश के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय, अवसरों में समानता और व्यक्ति की गरिमा और सम्मान की रक्षा की भावना अंतर्निहित है। संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों, विशेषता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विशेष ध्यान रखेगा और उन्हें सामाजिक न्याय और सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित रखेगा। महामहिम राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध है कि संविधान सम्मत व्यवस्था के अनुरूप अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नेता के बयान को संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही करें। जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे के साथ चंबूलाल खट्टर, धनुषधारी सिंह चंदेल, सुजीत सिंह भदौरिया और भाजपा के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।